नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने पूरे परिवार को दोषी करार दिया है। तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद आजम का नया ठिकाना चिला जेल की एक बैरक नंबर का हो गया है। लेकिन रामपुर के दुर्जय किले पर एक टाइपराइटर के बेटे ने कैसे एक छत राज स्थापित किया और कैसे रामपुर की सियासत से जुड़े सबसे बड़े परिवार का अजय किला ध्वस्त होने की कगार पर है, जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। इसमें पैसा है, पावर है, रसूख है और ध्वस्त होती राजनीति की बेबसी भी है। मैं आसमान से जमीन पर आ गया। वो आसमान जो कभी मेरा था, वो जमीन जो कभी मेरी थी, आपने ना आसमान का लिहाज किया और ना जमीन का लिहाज किया। मैं शिकायत करने आया हूं आपसे। रामपुर के दुर्जय किले पर बीजेपी ने पहले ही विजय का पताका लहरा दिया था। अब रामपुर की सियासत की बादशाहत का सबसे बड़ा चेहरा रहे आजम के आतंक का अंत होने जा रहा है। कभी रामपुर के अजयगढ़ पर सपा के विजय रथ को हाँकने वाले आजम खान को सपरिवार 7 साल की सजा सुनाई गई। विधायक से लेकर कैबिनेट मंत्री और अघोषित डिप्टी सीएम तक का रुतबा हासिल करने के सफर में आजम ने अपने रसूख और अपने सियासी कद को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। लेकिन अब आजम का अजय किला ध्वस्त होने की कगार पर है। दरअसल रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई है। 7 साल की सजा होने से जहाँ एक तरफ आजम खान परिवार की राजनीति समाप्त होती दिख रही है, तो वहीं इससे समाजवादी पार्टी को भी भारी झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में अखिलेश यादव के बाद दूसरे सबसे ताकतवर नेता के जेल में जाने से पार्टी की तैयारियों को भारी नुकसान हो सकता है। अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में पूरे परिवार को दोषी पाया गया है। अब्दुल्ला आजम के पिता आजम खान और उनकी माता को भी उनके साथ ही 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान 75 के हो चुके हैं और उनका सियासी करियर अब खत्म माना जा रहा है। बात करें अब्दुल्ला आजम की, तो अब्दुल्ला आजम स्वार की सीट से विधायक थे, लेकिन दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनको अपनी विधायकी गंवानी पड़ी और 7 साल की सजा रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दी है। अब देखते हैं कि आजम परिवार इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख तय करता है या नहीं। उत्तर प्रदेश की सियासत में जुर्म की विसात बहुत बड़ी है, इसकी मिसालें अक्सर मिलती रहती हैं। पर आजम खान से जुड़ी सियासत और जुर्म की कहानी बेहद उलझी हुई है। आजम चरित्र की दुर्दांत दास्ता में 75 की उम्र में 89 FIR, बकरी, भैंस और पैरों की पायल चुराने तक के मामले भी शामिल हैं। रामपुर में आजम के सियासी रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे यहाँ से 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी विधायक बनी और बेटा अब्दुल्ला आजम 2 बार विधायक रहा। रामपुर की सियासत से जुड़े सबसे बड़े परिवार के राजनीतिक अस्त की कहानी बेहद दिलचस्प है। इसमें पैसा है, पावर है, रसूख है और ध्वस्त होती राजनीति की भी बेबसी है। कहानी शुरू होती है साल 1967 से। देश की आजादी के बाद यूपी में 3 चुनाव हो चुके थे। ये वो वक्त था जब रामपुर की सियासत में नवाब परिवार ने कदम रखा। शुरुआती दौर में रामपुर के नवाबों ने कांग्रेस को अपने लिए सबसे बेहतर समझा। 1967 में रामपुर के नवाब रहे जुल्फिकार अली खान उर्फ मिकी मियां संसद पहुंचे। मिकी मियां का रामपुर में ऐसा रसूख था कि वे जो बात कह देते उनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत तक नहीं करता। ये दबदबा 8 साल तक कायम रहा। फिर साल 1975 में आपातकाल घोषित होने के बाद रामपुर के हालात बदलने लगे। शहर के एक साधारण से टाइपराइटर मुमताज का बेटा आजम खान जेल से छूटकर रामपुर लौटा। तेज तर्रार आजम शहर लौटते ही पढ़ाई के लिए अलीगढ़ चले गए। वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू में वकालत पढ़ने गए, जहां पर उन्हें कॉलेज पॉलिटिक्स पसंद आने लगे। छात्रों के समर्थन की बदौलत आजम एएमयू में छात्र संघ के सेक्रेटरी बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने देश में लगी इमरजेंसी के खिलाफ सड़क पर प्रोटेस्ट किया। ये विरोध इतना तीखा था कि उन्हें 19 महीने की जेल में डाल दिया गया। साल 1977 में जेल से छूटते ही आजम ने जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। उनके सामने थे कांग्रेस के मंजूर अली खान उर्फ शन्नू मियां। आजम ने कम उम्र में पहला चुनाव लड़ा। पैसे नहीं थे, इसलिए अपना दबदबा नहीं बना।
पहले विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन बुरी हार के बावजूद हौसला नहीं टूटा। 1980 में सिक्का पलटा और रामपुर विधानसभा सीट पर फिर चुनाव हुआ। आजम ने फिर से किस्मत आजमाई, इस बार रिजल्ट उनके पक्ष में रहा। आजम रामपुर के किंग बन गए। पहली बार विधायकी हाथ लगी तो आजम ने फिर पलट कर नहीं देखा। साल दर साल वे यूपी में मुस्लिमों की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। यूपी में आजम के सियासी रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी राजनीति को देख सपा संस्थापक मुलायम भी उनके फैन बन गए थे। आजम रामपुर सीट से 10 बार विधायक और एक बार सांसद रहे। उनके बाद पत्नी तंजीम फातिमा भी विधायकी जीत गई। आजम सपा में रहते हुए मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी नेताओं में रहे। पार्टी में उनका वर्चस्व सीएम अखिलेश यादव के समय भी कम नहीं हुआ। अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों के मुद्दों से लेकर चुनावी गुणाभाग में आजम की सलाह जरूर लेते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2017 में यूपी की सियासत के साथ साथ आजम की किस्मत ने भी करवट ले ली। योगी के सीएम बनते ही आजम पर संकट के बादल मंडराने लगे। इसी साल आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से सपा के विधायक चुने गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन पर उम्र के गलत दस्तावेज लगाने का आरोप लगा। अब्दुल्ला के सामने बीएसपी से चुनाव लड़े नवाब काजिम अली खान ने नॉमिनेशन के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम होने का आरोप लगाया। जांच बैठी तो पता चला कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी आयु प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ा था और वो नामांकन के समय 25 साल के नहीं थे। इसके बाद अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द कर दिया गया, उनकी सदस्यता भी चली गई। इस केस में अब्दुल्ला के साथ पिता आजम और मां तंजीन फातिमा को भी जेल जाना पड़ा। सियासत के शिखर पर चल रहे आजम का परिवार अब गर्त के उस गड्ढे में है जहां से निकलना अब नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। स्पेशल डेस्क प्राइम टीवी। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।